किम जोंग उन रूसी दौरे पर है जहां उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को तोहफे में राइफल भी गिफ्ट की। यह पहली बार है जब किम इतनी लंबी अवधि के लिए अपने देश से बाहर रहे हैं। क्या है इसके पीछे की अहम वजह, देखते रिपोर्ट में। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन 12 सितंबर रूस में थे। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर रूस आए किम जोंग उन अभी 2 या 3 दिन और रूस में ठहरे। 13 सितंबर को राष्ट्रपति पुतिन से वात्सोचनी क्राइमोडोम से मुलाकात के बाद किम जोंग उन अपनी स्पेशल ट्रेन से 15 सितंबर को रूस के सुदूर पूर्व स्थित आमुर क्षेत्र पहुंचे थे। उत्तर कोरियाई लीडर ने ही रूस के आमुर क्षेत्र में स्थित रूसी फाइटर जेट SU-35 एवं SU-57 बनाने वाली फैक्ट्रियों का दौरा किया। रूस के अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन के नाम पर बने यूरी प्लांट में किम जोंग उन ने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट SU-57 को बनाए जाते हुए देखा। किम को SU-35 के फाइटर पायलट ने हवाई कर्तव्य भी दिखाए। किम के दौरे को लेकर जारी फोटोग्राफ में उसे फाइटर जेट की बारीकियां समझते हुए देखा जा सकता है। रूस के आमुर क्षेत्र में फाइटर जेट की फैक्ट्रियों को देखने के बाद किम जोंग उन एक बार फिर अपनी स्पेशल ट्रेन में सवार होकर व्लादिवोस्तोक पहुंचे। 2019 में राष्ट्रपति पुतिन के साथ किम की मुलाकात व्लादिवोस्तोक में हुई थी। इसके अलावा किम एक साइंस सेंटर को भी विजिट करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।